अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आफ्टर टर्म्स। मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद हैं कुमैल रजा। तो फाइनली पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीत चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को और कुमैल रजा स्पेशली आपको। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो हुसैन इमाम साहब हैं उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए हम काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जी कुमैल रजा, 2-0 वाइट वॉश, क्या कहना है? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। उसकी वजह ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो साउथ अफ्रीका को फर्स्ट टाइम वाइट वॉश किया पाकिस्तान ने, और जो बड़े बड़े लेजेंड नहीं कर सके आज पाकिस्तान टीम ने, क्या बात है, मज़ा आ गया बहुत। सही। तो जी कुमैल रजा, आज जो पाकिस्तान मैच जीता है तो इसकी ओवरऑल जीत पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जीत पर कि दो बंदों की वजह से या तीन बंदों की वजह से जीता है मैच। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रिजवान का नाम लेना चाहूँगा मैं। सही। ठीक है, जो हमारे कीपर हैं काफ़ी अरसे बाद चले हैं वो, और उन्होंने सेंचुरी की है, उनकी बदौलत हमने ये 370 तक स्कोर हमने किया है। और दूसरा ये है कि जो हमारे टेल है, मिसाल के तौर पे जैसे नुमान थे और यासर शाह थे, अगर वो रन्स ना करते उनके साथ तो उनकी सेंचुरी भी नामुमकिन थी। सही। ठीक है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो हमारे ओपनर्स हैं वो तो कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जो चार मैच, जो मतलब के पीछे चार मैच पांच मैच हो चुके हैं, तो वही मतलब 20-25 पे 3 आउट 4 आउट, तो इस तरह जो है ओपनर की परफॉर्मेंस ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही। और हसर अली के बारे में कहना चाहूँगा कि 2 साल के बाद आके इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना कोई आसान बात नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही जिसकी वजह से हम आज जीत सके हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका को और अपने मतलब पाकिस्तान में। और इसके साथ साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, उनके जो दो मिडिल ऑर्डर थे बहुत अच्छा खेल के गए हैं। उसमें यह है कि आज जो लंच तक था साउथ अफ्रीका के हाथ में था मैच, तो मुझे तो लग रहा था कि कल के हम मुश्किल ही जीत पाएँ। सही। तो जिससे ही मतलब कि न्यू बॉल मिली है, ली है इन्होंने, तो शाहिन शाह ने और दूसरा हसन अली ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से ये मैच का पासे पलट गया। ठीक है, और पूरे 10 ओवरों में ही इन्होंने मतलब मैच ख़त्म कर दिया, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के हवाले से। साउथ अफ्रीका के लिए तो बैड लक था थोड़ा सा मैं समझता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे मतलब के रन्स जा रहे थे और एवरेज भी अच्छी थी, तो मैच वो भी जीत सकते थे, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिखाया कि नहीं, हम कुछ हैं, कुछ है बिल्कुल। और आज जो है ना, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि आज क्रिकेट की जीत हुई है, तो कभी साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था मैच, कभी पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, तो कभी साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था, तो बहुत मज़ा आया। मैं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी टीम को और अवाम को कि आज पाकिस्तानी कौम भी सुकून से सोएगी और टीम भी सुकून से सोएगी, क्योंकि मैचेस बहुत टफ थे और पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद क्रिकेट आई थी और इसकी वजह से कि जीत बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी। तो जी कुमैल, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 395 का जो एक ह्यूज टारगेट था वो चेस किया, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मतलब टारगेट उन्होंने आप कर लिया, और किस तरह कर लिया, और एक ही परफॉर्मेंस थी काइल मेयर्स की। सही। डेब्यू पर जिस तरह 200 किया है उन्होंने केएल मेयर्स ने, तो जब डेब्यू पे मतलब कि मैं सोचता हूँ 200 होंगे तो उसके बाद तो मैच आपका पूरा हो गया ही होगा। और दूसरा ये है कि मैं देख रहा था कि बांग्लादेश ने इतना बड़ा ह्यूज टारगेट दे दिया वेस्ट इंडीज़ को, मैं नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज़ इस टाइम जीतेगा यहाँ से, मगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस केएल की, तो बहुत अच्छा लगा वो भी देख के, मज़ा आया उनका मैच भी देख के। सही। और बांग्लादेश ये मैच अपने हाथ से गवा बैठी। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया कुमैल रजा हमें टाइम देने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक आगे शेयर करें, और आप हमें कोई भी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।